व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 3 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच ए बी बी सी ए डी, मतलब ये तीनों इक्वल है टू 5.5 सेंटीमीटर और ए सी 7.5 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें कह रहा है एक चार साइड का शेप है जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, उसमें उसका नाम है ए बी सी डी। तो ए बी बी सी और ए डी, ये मतलब ये तीनों जो साइड है ये तीनों साइड इक्वल है, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ऐसे ये भी 5.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, ए सी, ए सी यानी कि डायगनल, डायगनल दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये बी डी, ये डायगनल भी दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। तो सब ये मतलब ऐसा क्वेश्चन हो गया, दो डायगनल और तीन साइड दे रखी है, तो हम कोई सा भी एक डायगनल पहले ड्रॉ करेंगे। तो हम ए सी डायगनल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो, ये हमने ए सी एक डायगनल ड्रॉ कर लिया जिसकी साइड है 7.5 सेंटीमीटर। तो इसे हम सबसे पहले लिख देंगे 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ये पहले इधर देख लो, ये वाला पार्ट हम पहले कर रहे हैं, ये ए बी हमें है 7.5, मतलब ये बना रहे हैं हम, ये सबसे पहले ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ए सी हमने ड्रॉ कर लिया ए सी, अब हमें बी पॉइंट पे ड्रॉ करना है। तो ए बी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो हम कंपस लेंगे, कंपस और स्केल पे नाप लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ये 5.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये पॉइंट और ये ऐसे खुल गया, हाँ ये हो गया, देखो 5.5 सेंटीमीटर हो गया। ये यहाँ से सी पे रखो, क्रॉस मार दो, और ये ऐसे बी पे, क्योंकि ए सी देखो इस पॉइंट को हम बी बना रहे हैं, तो ए बी 5.5 सेंटीमीटर है और बी सी भी 5.5 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने कंपस लिया 5.5 सेंटीमीटर, दोनों साइड खोल दिया, और जहाँ कट आएगा उस पॉइंट को स्केल से जोड़ दो। ये देखो इस पॉइंट को मैं ए से जोड़ दूंगा, आप इसे नाप भी सकते हो, देखो इसे मैंने यहाँ पॉइंट पर रखा, और इधर देखो ये पॉइंट किस पर आ रहा है 5.5 में, ऐसे इधर भी 5.5 पे आ रहा है। ये देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक मिनट मैं सही से रख दे रहा हूँ, अब देखो 5.5 पे आ रहा है। तो अब हम इसकी नेमिंग कर दी हमने ए बी और बी सी, अब इसकी मेजर लिख देता हूँ 5.5 सेंटीमीटर, ऐसे इधर भी 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें ये डी वाला पॉइंट बनाते हैं, तो डी कितना है 5.5 सेंटीमीटर, तो इसके फिर से इस पे स्केल पे लो और 5.5 सेंटीमीटर नाप लो। ये देखो 5.5 सेंटीमीटर, हाँ अब हमें 5.5 सेंटीमीटर कौन सा पार्ट है, ए डी, तो ए पे रखो और यहाँ डी पे क्रॉस मार लो, ठीक। अब हमें ये तो दे नहीं रखा, क्या बोलते हैं, अब डी किसके साथ कॉमन है, देखो ए डी दे रखा है और डी सी डी तो नहीं दे रखा, पर बी डी दे रखा है, तो बी डी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर अब हम नाप लेंगे। अब हम देखो हम 6.5, ये इसे ज़ीरो तक खोल लो, तो ये ज़ीरो तक खुल गया। अब इधर सी पे रखो और सॉरी बी पे रखो, बी पे रख लिया और ऐसे क्रॉस मार दो। ये देखो बी पे रखा, एक्चुअली ये थोड़ा छोटा हो गया, एक मिनट हम इधर वापस ड्रॉ कर ले रहे हैं। ये देखो 5.5 को हमने यहाँ मार दिया और इधर से 6.5 हमने इधर मार दिया। देखो मैं नपवा दे रहा हूँ, इधर से देखो ये 6.5 है ये पॉइंट बी से, क्योंकि हमें इसे जोड़ना भी है ना, जैसे कट लग गया। तो देखो ये 5.5 हो गया, ऐसे ही ये बी से, ये इधर से इधर कितना है 5.5, तो ये 5.5 हो गया, मतलब ए ये पॉइंट हो गया ए डी, तो ए डी हो गया 5.5 सेंटीमीटर, जैसे कि हमने लिखा ये ए डी 5.5 सेंटीमीटर, और बी डी कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। देखो ये ज़ीरो पर रखा, ये पॉइंट ये कहाँ रहा है 6.5 पे, तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हम इस डी पॉइंट को सी से जोड़ देंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ गया, ये अब हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल मस्ट MUST इन विच MU इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर, US इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, ST इक्वल्स टू 5.0 सेंटीमीटर, TM इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर एंड एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब हमें एक बोल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है MUST मस्ट, इसमें हमें MU दे रखा है 3.8 सेंटीमीटर, US दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, ST दे रखा है 5.0 सेंटीमीटर, TM दे रखा है 5.3 सेंटीमीटर और एंगल, ये वाला एंगल M दे रखा है 90 डिग्री। हाँ तो ये एक क्वेश्चन हो गया, चार साइड और एक एंगल का। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा पहले कौन सा एंगल साइड ड्रॉ करते हैं, जिस साइड पे एंगल हो, मतलब ये वाला साइड है इस पे एंगल है, तो ये वाला साइड सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने MU ड्रॉ कर लिया, ये है 3.8 सेंटीमीटर। अब हमें ये सब ड्रॉ करना है आगे, तो अब सबसे पहले अब इसके बाद जैसे हमने MU ड्रॉ कर लिया, अब सबसे पहला काम है हमारा 90 डिग्री ड्रॉ करना। तो उसके लिए इस कंपस को कितना भी खोल लो, मतलब कंपस को कितना भी खोल लिया, M के एंडिंग पॉइंट पे रखो और एक आर्क मतलब सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, फिर यहाँ सेमी सर्कल के एंडिंग पे पॉइंट रखो, ऐसे आर्क मारो, फिर उस आर्क के एंडिंग पे पॉइंट रखो, फिर एक और आर्क मारो, ठीक। एक बार चेक कर लो कि ये उसी साइज़ का है कि नहीं, बिना हिलाए करना है,
अगर हिल गया ना ये तो गलत आ जाएगा। तो आप क्या करना है, देखो ये जो पहला आर्क लगा ये 60 डिग्री का, फिर इस 60 डिग्री पर रख के आर्क लगाया ये 120 डिग्री का, फिर इधर से आर्क लगाओगे तो वो 180 डिग्री का, पर हमें बनाना कितना है 90। तो 60 पे आर्क रख के बिना हिलाए ऐसे आर्क मार दो, ऐसे ये 120 पे पॉइंट रख के यहाँ एक आर्क मार दो, ये जो कट लगा ना इसे पेंसिल से जोड़ दो, पेंसिल और स्केल की मदद से। ये देखो स्केल और पेंसिल की मदद से हमने इसे जोड़ दिया, ठीक। अब हमें ये 90 डिग्री होगा, देखो हम चेक भी कर सकते हैं, चेक करते कैसे, इसका जो ये नीचे स्ट्रेट लाइन ना इसे इस स्ट्रेट लाइन पे रखना, और इस ये जो ये बीच में गोला सा दे रखा है ना जहाँ ये प्लस हो मतलब ऐसे टी बन रहा है उसे हमें पॉइंट पे रखना है। देखो पॉइंट पे रखा और ये ऐसे देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि ये सही है। अब हमें 90 डिग्री बना लिया, 3.8 बना लिया। अब 90 डिग्री के सामने कौन सा है, टी। अब हमें टी फाइंड करना है, टी कितना है 5.3 सेंटीमीटर। तो स्केल खोलो, जीरो पे रखो, अब 5.3, एक मिनट, स्केल ऐसे रखा, अब 5.3, ये देखो 5.3 है हाँ। अब इसे एम पे रखो, एम के पॉइंट पे, और ऐसा कट मार दो, तो ये जो कट जहाँ लगा ये पॉइंट है टी, ये हो गया एम टी। एम टी कितना था 5.3 सेंटीमीटर, हम स्केल से भी नाप के कंफर्म कर सकते हैं। देखो 5.3, ये 3 पे आ रहा है। अब हमें टी के सामने क्या है एस, और यू के सामने भी एस, मतलब एस कॉमन है, तो टी एस कितना है 5 सेंटीमीटर। कंपस लेंगे, पॉइंट रखा, अब कंपस में 5 सेंटीमीटर खोल लो, देखो अरे सॉरी ये 5 सेंटीमीटर, अच्छा आपको दिख नहीं रहा ना, ये देखो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर खोलिए, आप टी पे रखो, टी के पॉइंट पे रखो ऐसे हाँ, और ऐसे आर्क मार लो, ये आर्क लगा दिया। अब यू पे रखो, यू और एस कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो 4.2 ये हो गया। अब इधर से ये देखो 4.2 है ना, अब ये यू पे रखो और ऐसे आर्क मार लो, ओ सॉरी हाँ, ये जो नीचे वाला आर्क है ना ये सही है, ऊपर वाला नहीं। अब नीचे वाले आर्क से इसे जोड़ दो, ये देखो 4.2 आ रहा है, जीरो से यहाँ 4.2, तो इधर लिख दो 4.2 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया एस। टी एस कितना था 5 सेंटीमीटर, तो देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ोगे तो देखो तो कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो अब इसे स्केल से जोड़ दो हाँ। ये जो एम यू एस टी कोऑर्डिनेटर बन गया, ये हमें यही फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।